हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विंडोज़ के अंदर होने वाले एक प्रॉब्लम के बारे में, जो कि आपके सामने है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग विंडोज़, और ये हर टाइम जब भी मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ तो एक नया यूज़र क्रिएट करता है, और पुराने जितने भी आपका डाटा है वो सारा जो भी है डाटा वो डेस्कटॉप से आपका हट जाता है। हटता नहीं है, बेसिकली क्या होता है कि वो दूसरा यूज़र क्रिएट करके और वो वहाँ से आपको डाटा दिखाता नहीं है डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि कमांड है, उसको आपको यहाँ पर से कंट्रोल पैनल में जाकर टाइप करना है। तो ये कमांड है WMIC यूज़र नेम वेयर स्पेस, यहाँ पे आप यूज़र नाम यूज़र नेम में 123 की जगह पे कुछ और भी डाल सकते हैं, जो भी आपका यूज़र नेम हो। मेरे केस में ये है, तो ये नंबर आपको देख रहा है SID नंबर, तो ये कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर से आपको टाइप करना है विंडो प्लस आर को एक बार प्रेस करेंगे, और विंडो प्लस आर के टाइप करने के बाद ये यहाँ पर रजिस्ट्री एडिटर में जाना है आपको। और इस तरह से आप रजिस्ट्री एडिटर में जाने के बाद आपको यहाँ पर से तीसरा ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और इसके बाद सॉफ्टवेयर, और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पर से एक और सेलेक्ट करता हूँ विंडोज़ NT, तो वो आपको नीचे के सेक्शन में मिलेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। और ये नीचे आप दिया हुआ है वहाँ पर आपको जाना है। तो विंडोज़ NT में जाने के बाद यहाँ पर से आपको एक्सपेंड करना है करंट वर्जन को, और यहाँ पर करंट वर्जन में जाने के बाद आपको जाना है प्रोफाइल लिस्ट में। तो इस लिस्ट में आपको सर्च करना है प्रोफाइल लिस्ट, जो कि कहीं पी सीरीज़ में होगा। तो यहाँ पर से आपको ये देखिए प्रोफाइल सीरीज को एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद आप इसको देख लें वो नंबर जो SID नंबर था वो वाला नंबर, और उस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है प्रोफाइल इमेज, तो यहाँ पर से आपका वो आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा, लॉगिन अकाउंट जो भी है। तो आप अगर फाइंड करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आप डिस्क PC में जाने के बाद यहाँ पर सी ड्राइव में जाएँ, यूज़र में जाएं, और यूज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर से अपना यूज़र अकाउंट दिख जाएगा। तो मेरे केस में 123 है, आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर लें। तो मेरे पास मेरा नाम यहाँ पे 123 है, तो यहाँ पर से मैं इस जो भी इसका है वो ध्यान रखते हुए, और ये temp.acp001 को मैं हटाता हूँ यहाँ पर से, और अपना यूज़र नेम टाइप कर देता हूँ 123, और ओके करना है। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना अब यहाँ पर से, और ये सेलेक्ट करना है .bak जो है ये, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट करना है बेसिकली यहाँ पर से। तो ये जो SID नंबर है इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर से इसको डिलीट करता हूँ। अब डिलीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये आपको करना है रिस्टार्ट। तो एक बार मैं अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ फटाफट, और मैं इसको थोड़ा सा जल्दी में वीडियो को बना रहा हूँ, तो ये जल्दी जल्दी रिस्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और ये देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ सिस्टम को, ये स्टार्ट हो गया है। और इस बार प्रिपेयरिंग विंडोज़ के जगह पे मुझे कुछ और दिखा, सीधा वेलकम नोट दिख गया, और इसके बाद ये फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा है उसके बाद। तो यहाँ पर से आपको जो भी विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो मैसेज आपको देखने को मिलता है वहाँ पर से वो सब देखने को मिल जाएगा। और देखने के बाद आप यहाँ पर से जैसे ही एक बार ये स्टार्ट होता है, तो मैं देखता हूँ ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो ये थोड़ा सा वेट कर लें आप यहाँ पर से, जैसे इंस्टॉलेशन के टाइम होता है थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का टाइम लगेगा यहाँ पर से। ऑलमोस्ट देयर, तो ये हो चुका है स्टार्ट। अब मुझे कोई भी मैसेज नहीं आ रहा, जो भी पहले मुझे एरर मैसेज देखने को मिल रहा था। यहाँ पर से मैं एक फ़ाइल को कॉपी करता हूँ डेस्कटॉप पर आपको दिखाने के लिए कि क्या वो दोबारा से रिप्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने एक डेस्कटॉप पे डाटा रखा है कॉपी करके, और एक बार फिर से मैं आपको सिस्टम पे सिस्टम को रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ फिर से एक बार, कि ताकि जल्दी स्टार्ट हो जाइए। वेलकम नोट दोबारा मुझे मिल गया है, इस बार भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, और देख सकते हैं ये डेस्कटॉप नाम से जो मेरा डाटा रखा हुआ था वो एज़ इट इज़ मेरे इसमें रखा हुआ है। अगर ये काम नहीं करता है उस केस में, तो आपको दोबारा से वहीं पर जाना है, और फिर प्रोफाइल इमेज पाथ को जाके सेलेक्ट करना है। यहाँ पर से देखिए ये जो .bak है और ये है, तो या तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या डिलीट करने के बाद और इसको .bak को आप अपना जो यूज़र नेम के साथ है उसको राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दें, और रीनेम करने के बाद आप इसको .bak को हटा दें यहाँ पर से, लास्ट का जो सेक्शन है उसको खाली हटाना है और कुछ नहीं हटाना है इसमें, और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना इसको। आप अगर चाहते हैं तो इसका बैकअप ले सकते हैं, फाइल में जाके इसका एक बैकअप क्रिएट कर ले एक्सपोर्ट करके। और एक बार फिर से मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ, और रिस्टार्ट करने के बाद
ये प्रॉब्लम मेरे इसके सिस्टम में मेरे सिस्टम में फिक्स नहीं हुआ था। तो अगर वो पहला मेथड आपके इसमें काम नहीं करता है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि पहले आप वो यूज़ कर लें जो मैंने सबसे पहले इसके अंदर बताया है। तो यहाँ पर से देखिए, ये दोबारा वही एरर आ रहा है, वी कांट साइन इन टू योर अकाउंट, और ये एरर मैसेज मुझे बार बार देखने को मिल रहा था। एक इसके अलावा और भी ऑप्शन है जो कि आप इसके अलावा कर सकते हैं, अगर ये भी सक्सेसफुल आपके सिस्टम में या फिर आपके केस में नहीं होता है। तो दोबारा से रजिस्ट्री एडिटर में जाना है, और रजिस्ट्री एडिटर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सीएस को सेलेक्ट करना है, और दोबारा से वहीं पे जाना है, लोकल मशीन और सिस्टम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ NT करेंट वर्जन और प्रोफाइल लिस्ट। मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ फटाफट से इसको एक बार, ये विंडोज़ NT करेंट वर्जन, और यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है प्रोफाइल लिस्ट। प्रोफाइल लिस्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और ये जो पहला ही नंबर है जो पहला सबसे ऊपर जो लिस्ट में आपको ऊपर दिखता है उसको क्या करना है कि आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर से रेफ काउंट में जाना है, और यहाँ पर से ये वैल्यू जो है वैल्यू डाटा ये ज़ीरो है, आपको इसको क्या करना है, इसको वन करना है, रीनेम करके वन कर देंगे, और वन करने के बाद इसको आपको क्या करना है, इसको ओके कर देना है। मैं यहाँ पर से वन टाइप करता हूँ, ओके करता हूँ, एक और सिस्टम को फिर से दोबारा रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए क्या होता है आपकी, फिर से रिस्टार्ट कर दिया मैंने इसको, फॉरवर्ड कर देता हूँ जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड। और ये तीसरा मेथड है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप पुराना काम ना करें तो। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।